जिसके मस्तक पर कर्जा ज्यादा हो गया। लक्ष्मी, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च हो रही और कर्जा बड़ी बढ़ रहा है, चूक नहीं रहा या संपदा नहीं आ रही, बहुत थोड़े दिन व्यापार अच्छा चलता है, थोड़े थोड़े दिन में ठीक चलता फिर बेकार हो जाता, तो उसके लिए भी बटकेश्वर महादेव का पूजन, बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर महाराज, मान लो अगर कर्जा ज्यादा है तो बड़ के पेड़ के नीचे एक पात्र में जल लेकर बड़ के पेड़ की जड़ में डाल दिया जाता है और बड़ के पेड़ की डाली की जड़ को थोड़ा सा निकालकर 3 सोमवार कर तीसरे सोमवार पर उस जड़ को लेकर आकर लाल कपड़े में जेब में रख लिया जाता है महाराज, व्यापार की वृद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए और कर्जे से मुक्ति के बटकेश्वर का स्मरण किया। एक और, जिसको मिर्गी की बीमारी हो महाराज, फिट आती हो, चक्कर खाकर गिर जाता हो, उसके लिए बड़ के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शंकर पर 5 मुखी रुद्राक्ष शिवलिंग पर समर्पित कर दें 7 बार। जिस व्यक्ति को मिर्गी आती हो या चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है तो वो समर्पित करें और जल समर्पित कर महाराज शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और पानी में गलाकर 11 दिन या 21 दिन तक उस रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू कर दीजिए महाराज। प्रथम प्रथम में 1 या 2 बार फिटाएगी, आप पानी पिलाएं उसको, फिर लगातार पिलाएं 11 दिन। अगर 1 महीने में पिलाना है दूसरे महीने में फिर 11 दिन पिलाएं, धीरे धीरे 2 या 3 महीने तक थोड़ा फिट का भाव रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे फिट आना बंद हो जाएगी। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख प्रदान करता है, रोग से मुक्ति देता है महाराज। रोग का अगर निवारण कोई कर सकता है तो बटकेश्वर महादेव। किडनी लीवर आदि का यदि कोई डॉक्टर कह भी रहा है कि इसका ऑपरेशन करना जरूरी है तो एक प्रयास जरूर करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, उसके बाद भले तुम ऑपरेशन करा मना नहीं, पर शंकर पर विश्वास रखकर हल्दी की माला से बगला मुख और बगला मुखी, बगला मुख शंकर का एक अवतार है और बगला मुखी शिव की शक्ति का एक अवतार है महाराज। हल्दी की माला से बगला मुखी माता का नाम लेकर, बगला मुख शिव का नाम लेकर, जो राई होती है पीली सरसों होती है, उस पीली सरसों को जलते हुए गोबरी में कंडे को जलाकर, गाय का जो गोबर होता है सूखा कंडा उसको जलाकर उसमें आप मनके की एक एक माला फेरते जाएं, माला फेरने के बाद फिर आप थोड़ा सा उसमें पीली सरसों घी में मिलाकर डाल दें, बगलामुख बगलामुखी का स्मरण कर फिर नाम लें फिर डाल दें महाराज। जो 9वीं और 10वीं शुक्ल पक्ष की इन तिथियों में हल्दी की माला का स्मरण कर जो चढ़ाता है, कैसा भी रोग हो धीरे धीरे उसको औषधि लगना प्रारंभ हो जाती है, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, दवाइयों से ही काम होकर वो बीमारी से छूट जाएगा। और अगर छोटी मोटी बीमारी होगी तो समाप्त ही हो जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी को, रोग को, हम तो यहां तक कहते हैं कि एक बार प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, अगर मालूम पड़े कैंसर जैसा रोग भी अगर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पर चल रहा हो तो एक बार जरूर करना। बगलामुख और बगलामुखी शिव का एक अवतार है महाराज, रोग से मुक्ति के। एक बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर में से फुकते निकलने लगते हैं जिसको सोरेसिस कहते हैं महाराज। कहते हैं जिस गाय के गोबर पर होना, गाय का ही गोबर, उस पर जो धुनी तुम देते हो हल्दी के मनकों की बगलामुख बगलामुखी के नाम से, उस जले हुए कंडे पर जो आहुतियां दी गई हैं वो पूर्ण तरह से जब जल जाए, उसकी राख को महाराज 10वीं तिथि की रात्रि को 9 से 12 के बीच में बगलामुखी का नाम लेकर तन पर लगा लो और दूसरे दिन स्नान कर लो महाराज। कहते हैं बस 2 या 3 बार ऐसा करने पर कितनी भी शरीर से फुकते निकल रहे हो, सोरेसिस की बीमारी हो, वो उसमें भी आराम लग जाता है, चाहे व्यक्ति कितना भी खुजा ले। पर होना चाहिए हल्दी की, जम के बोलो जरा हल्दी, वह एक बच्चे के दोनों कान चले गए, उसको सुनाई नहीं देता था महाराज। केवल बगलामुख और बगलामुखी का जो स्मरण मनकों के मात्रा से बताया गया उसी से उसकी श्रवण शक्ति प्रबल हो गई थी। और जहां डॉक्टर उसको अंदर मशीन फिट कर रहे थे, मशीन नहीं करना, तो बगलामुख और बगलामुखी अर्थात ये रोग का निवारण भी कर देते हैं, रोग को निगल जाते हैं। फिर वही बात आ गई, सबसे कठोर वस्तु धातु लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि जो लोहे को गला देती है, अग्नि से कठोर पानी जो अग्नि को बुझा देता है, पानी से कठोर मनुष्य जो लोटा भर के डकार जाता है, मनुष्य से कठोर बीमारी जो पूरे मनुष्य को ही निगल जाती है, और बीमारी से ज्यादा कठोर है मेरा देव अधिदेव महादेव जो बीमारी को ही निगल जाता है, मृत्यु को जो निकल रहा हो, रोग को जो निकल रहा हो, वो शंकर वो शिव है।
वो घरधानी जिसकी शरण में पहुंचने पर हमें सुख का भान हो जाता। हरी दुर्वा, सफेद दुर्वा, लाल दुर्वा, पीली दुर्वा, ये जो दुर्वाएं होती हैं जो अपन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, ये दुर्वा जो होती है, ये दुर्वा का जो क्रम है, दुर्वा का ये अलग अलग क्रम है महाराज। आपको पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान को सफेद दुर्वा और गणेश जी को हरी दुर्वा, जगदम्बा को पीली दुर्वा, नारायण को लाल दुर्वा अति प्रिय होती। और इस दुर्वा का कोई साधारण संक्रम नहीं होता महाराज। जो व्यक्ति मान लो किसी का डायलिसिस भी चल रहा है, किडनी खराब हो गई, लीवर बेकार हो गया, या किडनी के आसपास में कहीं स्टोन बता दिया, पथरी की बीमारी हो गई महाराज, पथरी की बीमारी। जैसे एक क्रम आता है कि जो गाय का दूध होता है, गाय का जो दूध होता है ना कच्चा दूध, तो गाय का जो कच्चा दूध होता है, शंकर जी भगवान पर, भोलेनाथ जी पर एक कटोरी दूध जितना आप पी सकते हो उतना दूध शंकर भगवान पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। और चढ़ाने के बाद में शंकर पर चढ़ाया और वो दूध कटोरी में झेल लो, और झेलने के बाद मंदिर के द्वार पर उस एक निब्बू को काटो और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर निब्बू को निचोड़ कर शंकर की देहली पर बैठकर शिव जी का शिवलिंग देखते हुए जो पी जाता है उसके जीवन में जो मसों की बीमारी होती है वो समाप्त हो जाती है, कभी नहीं हो सकती। केवल अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर, केवल अवधूतेश्वर। उसी तरह शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है और नर्मदा पुराण कहती है कि सफेद दुर्वा, जैसे सफेद दुर्वा हम शंकर जी को जब समर्पित करते हैं, उस दुर्वा का पानी, जिसकी किडनी, जिसका लीवर खराब होता है, जिसको पथरी की बीमारी होती है, उसके लिए महाराज ये पानी अमृत के तुल्य होता है, शंकर पर चढ़ी हुई सफेद दुर्वा, सफेद दुर्वा का। जैसे बालचंद्र की दुर्वा सफेद दुर्वा, पीली दुर्वा, इसका सुख है, वो जीवन का आनंद देने वाला। जिस नारी पुरुष को आधा सीसी का जो दर्द हो जाता है, सिर जिसका हर 8 दिन में दुखने लगे, 4 दिन में दुखने लगे, 5 दिन में दुखने लगे और सिर दर्द बना ही रहे, तुम रोज की टेबलेट खा रही हो, रोज की दवाई खा रही हो और कुछ ना कुछ कारण से सिर में अगर तकलीफ हो रही है, यहां तक कि अगर शास्त्र कहता है कि अगर सिर में कोई नस दबी भी हुई है, मान लो कोई नस दब गई है जो सिर के अंतर्गत कोई तकलीफ अगर आ गई है, तो शिव पुराण की कथा कहती है, एक कटोरी में शहद ले लिया जाए और शहद को लेकर पीपल के पत्ते पर उसको डाल लिया जाए, पीपल के पत्ते पर उस शहद को डालकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन, कोई सी ये नहीं कि आप महाशिवरात्रि का इंतजार करें, कोई सी भी शिवरात्रि के दिन, कोई सी भी शिवरात्रि को आप शहद को लेकर, उस शहद को पीपल के पत्ते पर लेकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दें और चढ़ाकर उसी पीपल के पत्ते का लेपन, जैसे शिवलिंग होता है तो शिवलिंग के अग्र भाग पर, ऊपर का जो भाग है उस पर, उस पीपल के पत्ते पर शहद लेकर उसका लेपन करने के बाद, पूर्ण तरह से लेपित करने के बाद उस पत्ते को शंकर जी के मंदिर के नंदीश्वर के पीछे की ओर भाग में बैठकर उस पत्ते को चाट लिया जाए। चाटने के बाद उस पत्ते को कहीं पर भी एकांत में किसी पेड़ के नीचे फेंक दिया जाए। घर पर जाकर आधा गिलास जल महाराज, बस केवल आधा गिलास जल हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर पी लिया जाए। कौन से महादेव का, जम के बोलिए, हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब हम जल को पी लेंगे, उसके बाद में कभी ना टेबलेट की जरूरत पड़ेगी, ना दवाई की जरूरत पड़ेगी, सिर दर्द नहीं हो सकता। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर बस उस शहद को नंदीश्वर के पीछे। शिव पुराण कहती है महाराज, मान लो अदालत में कोई केस चल रहा है और उसमें विजय नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, केस आगे बढ़ी नहीं रहा, तो महाराज बड़ के पेड़ के नीचे बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग पर दही चढ़ाना, और चढ़ाने के बाद में उस दही को सफेद कपड़े में उसको लगाकर लेकर आना महाराज। लेकर आकर जब आप जाए अदालत में जाए तो उस रुमाल को जिसमें दही लगा है उसको लेकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख को देने वाला होता, आनंद को देने वाला। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।